नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का जो है स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की हमारी जो ये सीरीज है, इसमें हम लोग जो है आज इम्पोर्टेंट 30 मिनट की वीडियोस जो है देखेंगे और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, ये वीडियोज जो है कल से आप लोगों के लिए 1 घंटे का किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कल से मैं आपको 1 घंटे की ये वीडियो जो है दिया करूंगा। आज जो है 30 मिनट की ही वीडियोस रहेगी। इसके पहले भी हमने जो है 30-30 मिनट की वीडियोस जो है देख रखी है। आज 30 मिनट देख लीजिए, कल से जो है 1-1 घंटे की वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के एग्जाम में पहले भी आए हुए प्रश्न हैं और इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरे एनालिसिस इसकी करेंगे। और बताना चाहूँगा कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज है वो टोटल जो है कंप्लीट मैंने कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसे आप देख लीजिएगा। जो कंप्यूटर के बाकी के प्रश्न हैं उसकी वीडियोस जो है मैंने पहले ही बना दिया है। 37 वीडियो जो है आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है और ICT के 200 क्वेश्चंस जो है उसमें आपको मिल गए हैं। टोटल 4000 प्लस प्रश्न जो है मैंने कंप्लीट उसे कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हमारे 695 तक के प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके थे, आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, 696 को देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अभिकथन कह रहा है कि शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत जो है शिल्प तथ्य, प्रलेख, अभिलेख या अन्य सूचना स्रोत जिसका सृजन घटना के समय घटना के तुरंत बाद हुआ था। तर्क दिया जा रहा है कि मूल सामग्री या विषय वस्तु से संबंधित प्रमाण जो है प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं जो कि इतिहास के मूल हैं। बताइए इसका राइट आंसर, ऑप्शन देख लीजिए इसका राइट आंसर। तो इसमें जो है डिटेल में कुछ बताने लायक तो है नहीं, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ए और आर जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची ए को जो है सूची दो से जो है मिलान इसमें करना है। तो शब्दकोश जो शब्दावली होती है, ये जो है डिक्शनरी जो होता है, शब्दकोश मतलब शब्दकोश जो होता है शब्द या पर्यायवाची से रिलेटिव होता है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 है। और पारिभाषिक शब्दावली यानी ग्लोसरी जो है ये विशिष्ट विषय जो है होता है, ठीक है, विशिष्ट विषय होता है। और थिसारस जो होता है ये पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द होता है। और शब्द संग्रह जो होता है ये विदेशी भाषा होती है, तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए। तो इसमें तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही दिख रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची ए से, सॉरी दोस्तों थोड़ा सर्दी हो गई है, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो एक तरफ है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस, तो ये निर्देशिकाएं जो है हैं अब 3 नंबर पे है। और जो है विटेकर का पंचांग जो है ये वार्षिकी में आ जाएगा, पंचांग जो होता है ये वार्षिकी में आता है। और लीसा जो है ये द्वितीय स्रोत की श्रेणी में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम जो है ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका आंसर मिलान कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर आप ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो मिलान करने वाले होते हैं कि आप इनको जो है अगर 4-6 बार देख लेते हैं तो आपके एक साथ जो है कई प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमारा फैक्ट्स ऑन फाइल है ये समाचार पत्र डाइजेस्ट से है, 3 नंबर ही है।
और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ये निर्देशिका है, और कान कोट्स जो है ये अनुकर्मणिका है, और विलिंग्स प्रेस जो है ये पत्रिका निर्देशक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि थिसोरस या समानांतर कोट्स का अपरिहार्य कार्य है क्या है, बताइए। इसको देखिए, नीचे जो है कोड दिया हुआ है, तो इसे करिए। तो थिसोरस का कार्य जो है अर्थ की समानता के लिए जो है अनुसार एकत्रित शब्दों का जो है समूहीकरण है, और अवधारणाओं के बीच जो है संबंध का निरूपण है। तो ये दो और तीन सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि बृहद शब्दकोश शब्द का अर्थ जो है विलोम पर्याय तथा स्थान विवरण आदि प्रदान करते हैं, और कारण दे रहा है कि सभी शब्दकोश विलोम तथा सम नाम आदि शब्दों पर सूचना प्रदान करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, ये जो है ऐसा थोड़ी है कि जो है सभी शब्दकोश जो है वो विलोम तथा समानार्थ शब्द की जो है सूचना प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो है ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न हमारा है कि जेयर्स के पुराने नाम पर जो है सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत को जो है संदर्भित करेंगे, किसको संदर्भित करेंगे। तो इसमें जो है विश्वकोश को किया जाएगा और गजेटियर को किया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक और तीन को किया जाएगा। तो इसका नीचे देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जेयर जो है कहा है ये पुराने नाम पर जो है सूचना प्राप्त करने के लिए जो है विश्वकोश और भौगोलिक कोश स्रोत को जो है संदर्भित करेंगे, लेकिन जब वार्षिकी में वर्ष भर की घटनाएं शामिल होती हैं तथा निर्देशिका में एक तृतीय स्रोत है जिसमें जिससे है एक निर्देश जो है प्राप्त होता है, अर्थात जो है गाइड के रूप में जो है हमारी हेल्प करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची एक से जो है सूची दो को जो है इसमें मिलान करना है। तो संघीय सूची जो होती है ये तृतीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। संघीय सूची जो होती है ये तृतीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। इसमें प्राथमिक अप्रकाशित स्रोत ये अनुकर्मणीकरण जो है ये जो है दे दिया है। संघीय सूची जो होती है ये तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आती है। यहाँ पे मिस्टेक है ये। अनुकर्मणीकरण ये सही लिया है, लेकिन जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक इन्होंने किया है, जो हमारे टाइप करते हैं। ये अनुकर्मणीकरण एवं सारकरण स्रोत है, ठीक है, ये सारकरण, इसे नोट कर लीजिए आप, सारकरण स्रोत है और ये तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। पंपलेट्स एवं ब्रोशर्स जो होता है ये प्राथमिक में आता है, ये तो आप जानते ही हैं, और अनुकर्मणीकरण जो होता है ये, सॉरी दोस्तों, अनुकर्मणीकरण ये सारकरण ये द्वितीयक स्रोत में आता है, और डायरेक्टरी के स्मरण जो होता है ये अप्रकाशित स्रोत में आता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ये यूजीसी जो है, यूजीसी 2014 के एग्जाम में इस प्रश्न को जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है।
कि कब क्या हुआ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया जो है 1768 है, 1700 जो है 68 है, और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है ये 1833 है, ठीक है। और जो है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो है 1917 1917 है, 1925 में जो है रिवाइज हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब विकिपीडिया जो है 2001 है, विकिपीडिया जो है ये 2001 है, तो इसके अनुसार जो है आप देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन है, अभिकथन हमारा कह रहा है कि ये जो है बहुभाषी शब्दकोश 3 या ज्यादा भाषाओं में जो है समान शब्द प्रदान करते हैं। कारण दे रहा है कि समानता वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते, परंतु वो जो है एक या ज्यादा विदेशी भाषाओं के समान शब्द प्रदान करते हैं। तो ये जो है दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अलर्टिंग या चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है, चेतावनी सेवा जो है प्रदान की जाती है, तो प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में के लिए की जाती है अलर्टिंग सेवा, और व्यक्तियों और समूहों के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उन कथनों की पहचान करें जो ऑनलाइन वातावरण में जो है ई बुक के बारे में सही है, ई बुक के बारे में सही है। ऑप्शन देख लीजिए, ई बुक ई पुस्तक जो है उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है। बी कह रहा है कि ई पुस्तकें निविध पहुंच या एक्सेस प्रदान करती हैं, सभी प्रकाशक अपनी मुद्रित पुस्तकों के समतुल्य ई पुस्तकें जो है तैयार करते हैं, और डी कह रहा है कि ई पुस्तकें विषय वस्तु को हाईलाइटिंग की अनुमति देता है। कूट देख लीजिए, तो ए बी और डी सही है, सी इसमें रॉन्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न से आप कोई एक एग्जाम नहीं, यहाँ तक कि आप यूजीसी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आपको ये जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, ये लो लेवल से लेके यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन से लेके आप यूजीसी नेट तक की तैयारी कर रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभिकथन कह रहा है कि सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्रायः प्राथमिक आंकड़ा संग्रह स्रोत के रूप में किया जाता है, और तर्क दिया जा रहा है कि प्रश्नावली प्रत्यक्षियों के व्यक्तित्व संपर्क को जो है रोकता है। बताइए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची एक से सूची दो को जो है मिलान हमें करना है। तो बराक हुसैन ओबामा द्वितीय जो दे रखा है, तो ये हुजू में आएगा, कौन क्या है, ठीक है, तो ये हुजू में आएगा। और विगत वर्षों की डीजीपी जो है जीडीपी सॉरी जीडीपी जो है ये आएगा आपका ईयरबुक में या वार्षिकी में कह लीजिए, ईयरबुक में आएगा। और यूके के विश्वविद्यालय ये जो है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में आ जाएंगे, और गंजम जिले का क्षेत्रफल जो है ये गजेट ईयर में आ जाएगा। तो इसमें जो चार दिए रहते हैं, इसमें से अगर आप दो भी कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है अधिकतम पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ई जनरल संघों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए, स्थापना के अनुसार जो है इसको जो है सीक्वेंस के अनुसार लगाना है। तो IIM लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है ये 1996 में किया गया था, नोट कर लीजिए। IIM जो है ये
सॉरी IIM ये है, ये जो है 1996 में किया गया था, 1996। यहाँ से लिखना है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो रजिस्टर आप करिएगा। और है इंडिस्ट जो है, इंडिस्ट जो है ये कंसोटिया जो है ये 2003 में किया गया, 2003 में किया गया था। और कंसोर्टियम ऑफ ई रिसर्च इन एग्रीकल्चर जो है ये 2007 में किया गया था। जो सी वाला है ये 2007 में किया गया था, आप इसे नोट करिए। और जो है नॉलेज, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम जो है ये 2009 में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर जो है डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयरबुक इंक्लूडिंग हुज हु किस प्रकार की निर्देशिका है, किस प्रकार की जो है निर्देशिका है। तो ये जो है सामान्य निर्देशिका है। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरीज एंड ईयरबुक इंक्लूडिंग हुज हु सामान्य प्रकाशन की जो है निर्देशिका है, जबकि विशिष्ट व्यावसायिक और व्यापारिक निर्देशिका नाम से जाने जा सकते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि ई जर्नल को खरीदना पुस्तकालय के लिए जो है लाभदायक है, किंतु पुस्तकालय अध्यक्षों को जो है खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना होता है। तर्क दिया जा रहा है कि सतत अधिगम खोज हुए अंकों को ध्यान रखती है। तो ऐसा तो नहीं है, ये जो है आर जो है गलत है, लेकिन ए जो है सही है, तो ऑप्शन इसका बी ही राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन ई बुक की अनिवार्य विशेषता है, ई बुक की जो है अनिवार्य विशेषता है। तो मंद गति से पहुंच जो है, मंद गति से जो है पहुंच ई बुक की अनिवार्य की विशेषता नहीं है, जबकि अधिकांश लागत प्रभावी यानी कि ऑनलाइन खरीदने की सुविधा और आसानी से जानकारी ढूंढ पाना ये सभी जो है विशेषता है। ई पुस्तक या ई बुक का अर्थ होता है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तकें कागज की बजाय जो है डिजिटल रूप में जो है होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिवाइस से जो है यंत्रों पर जो है पढ़ा जा सकता है। इनको पढ़ने के लिए जो है आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, तो ये जो है संस्थात्मक जो है निर्देशिका है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। और समय समय पर जो है निर्देशिका को जो है ये प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का जो है पूरक माना जाता है। तो विश्वकोश को ही जो है माना जाता है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित परीक्षाओं को जो है उनके संदर्भ स्रोतों की उचित श्रेणी के साथ जो है सुमिलित कीजिए। तो एक से जो है दो को जो है मिलाना है इसमें। तो जो हमारा पहला दे रखा है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन, ये जो है निर्देशिका में जो है आ जाएगा। ठीक है, और डेनमार्क का मौसम जो है ये भौगोलिक स्रोत में आएगा, तो भौगोलिक नीचे दिया हुआ है, तो डेनमार्क का मौसम जो है ये भौगोलिक में आ जाएगा। और जो है सी जो कह रहा है कि वर्ष 2016 में विश्व पुस्तक मेले में आए हुए विदेशियों की संख्या, तो ये जो है वार्षिकी में आ जाएगा। और जो है दिया हुआ है सिंगापुर में अस्पतालों की संख्या, ये सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका कूट एक बार देख लीजिए आप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई जनरल लेख की पहचान किसकी सहायता से की जा सकती है, ई जनरल लेख की पहचान जो है किसकी सहायता से की जा सकती है।
तो ये डिजिटल ऑब्जेक्ट पहचानकर्ता के द्वारा जो है की जा सकती है, DOI जिसे हम जानते हैं शॉर्ट नाम में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची एक से जो है सूची दो को मिलान कीजिए। तो एक तरफ सूची वन दिया हुआ है और एक तरफ सूची दो दिया हुआ है। तो जो ये ईयर बुक्स है, शब्दकोश जो है, ये वार्षिकी शब्दकोश जो है, ये पिछले वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में जो है सूचना, यानी कि ए का जो है दो हो जाएगा, ए का जो है दो हो जाएगा, और निर्देशिका जो है तथ्यों की सूची जिसमें व्यक्तियों अथवा संगठनों के नामों और उनके पतों की अनुवर्णिक अनुक्रमणिका होती है, तो दो हो जाएगा, यानी कि ए का दो, बी का चार। और पंचांग जो दिया हुआ है ये वार्षिक प्रकाशन जिसमें अगले वर्ष में होने वाले घटनाओं का जिक्र होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नियमावली जो है ये इसमें किसी विशेष के बारे में अनुदेश अथवा परामर्श होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कूट आप एक बार मिला लीजिएगा, तो इसका कूट जो है डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है वर्णाक्रम में जो है व्यवस्थित संसाधनों का भौगोलिक शब्दकोश माना जाता है, तो जो है इसे गजेटियर माना जाता है। और गजेटियर एक भौगोलिक शब्दकोश या निर्देशिका होती है जिसका उपयोग जो है मानचित्र या एटलस के संयोजन के रूप में किया जाता है। इसमें आमतौर पर किसी देश, क्षेत्र या महाद्वीप की भौगोलिक बनावट, सामाजिक आंकड़े और भौतिक विशेषताओं से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया होगा सही उत्तर का मिलान कीजिए, देखिए और बताइए। तो इंपीरियल जो दिया हुआ है, गजेटियर ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले आएगा, फिर जो है मेरियम आएगा, उसके बाद चेम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर आएगा, फिर जो है द स्टेटमेंट ईयर बुक ये आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संदर्भ शैली प्रबंध स्रोत है? प्रबंध स्रोत तो जो है हमारा इसमें पूछ रहा है कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, और जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो राइट आंसर है ये बी है। ठीक है, दो तीन और चार सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियाज हुज हु नई दिल्ली इंफा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये जीवनी स्रोत है, और इंडिया हु जो है 1969 में जो है से जो है भारतीय मूल की जीवनी वृत्त प्रमाणिक एवं शुद्ध सूचनाएं प्रोवाइड करने वाला जो है स्रोत है। इसमें इसकी अवधि जो है वार्षिकी है। इंडिया हु का जो है प्रकाशन इंफ्रा पब्लिकेशन नई दिल्ली से होता है। प्रकाशन को जो है 8 प्रमुख विभाग जो है, यानी कि व्यापार, शासन, मानविकी, जन कार्य, विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विभिन्न विभिन्न में जो है विभाग डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक विभाग में जो है विषय अथवा व्यवसाय के आधार पर वर्णक्रम में व्यवस्थापन किया जा रहा है। जीवन पर के सूचनाओं के लिए यह जो है इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु प्रयुक्त होता है।
लॉक सीट होता है, लॉक सीट होता है, इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है ये रॉन्ग है, लॉक सीट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जेटेरो है, जेटेरो जो है क्या है? तो ये संदर्भ प्रबंध प्रबंधन जो है पद्धति है जेटेरो, और ये इसकी पहली रिलीज जो है अक्टूबर 2006 में जो है, 2006 में फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए जो है एड ऑन के रूप में हुई थी। ठीक है, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जो है सेंटर फॉर हिस्ट्री और न्यू मीडिया द्वारा इसे निर्मित भी किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु जो है इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी, नहीं है। तो रेफरेंस सर्विस की जो है आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, विश्वकोश की जो है आवश्यकता जो है नहीं होगी। रेफरेंस सर्विस जो है एक प्रकार की संदर्भ सेवा है जिसमें एक इंफॉर्मेशन सीकर होता है और लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को जो है निर्देशित किया जाता है, यहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो संदर्भ सेवा में जो है विश्वकोश की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द, बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि बिब्लियोन से बना है, जिसका अर्थ होता है भंडार की सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताब के प्रकारों के बारे में जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, एकल और संदर्भ पुस्तकें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को जो है डिजिटल रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन मापदंडों का सही क्रम है, सही क्रम क्या है? ये जो है आरपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आरपीएससी के एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सीक्वेंस। बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रामाणिकता उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार विशिष्ट लक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोत की रानी है, तर्क है कि इंसाइक्लोपीडिया सूचना के वृत्त प्रवृत्ति ज्ञान के लिए जो है ज्यादा उपयुक्त है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सही है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी ही होगा। तो दोस्तों वीडियो को जो है यहीं पे रोकते हैं, आधा घंटे जो है आपके कंप्लीट होते हैं, कल से आप लोगों के लिए जो है 1 घंटे की सीरीज रखी जाएगी, क्योंकि वन लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 2 वीडियोस आपको डेली दिया जाएगा, एक राजस्थान जीके और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटिव वीडियोस दिया जाएगा। दोस्तों आपको अगर उपयोगी लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।